हेलो गाइस, दिस नॉलेज माह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स एंड देयर मैनेजमेंट। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स दैट मीन्स कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड एट्सेट्रा। गाइस, क्रूसीफेरस क्रॉप जितने भी गोभी वर्गीय जो सब्जियाँ होते हैं वो क्रूसी फैमिली क्रूसीफेरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एट्सेट्रा। इनके जो मेजर पेस्ट हैं वो है कैबेज बटरफ्लाई, डायमंड बैक मोथ, फ्ली बीटल, मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई, मस्टर्ड एफिड, कैबेज एफिड, कट वॉर्म, जिनके आप डायग्राम देख सकते हैं। कैबेज बटरफ्लाई, डायमंड बैक मोथ, फ्ली बीटल, मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई, कैबेज एफिड, कट वॉर्म एट्सेट्रा का। नेक्स्ट जो है वो है माइनर पेस्ट। माइनर पेस्ट के अंतर्गत आते हैं टोबैको कैटरपिलर, स्पोरोप्टेरा लिटोरा, सोयाबीन हैरी कैटरपिलर, सेमीलूपर्स, लीफ वेबर्स, राइस ग्रास हॉपर्स, पैंटेड बर्ग, ग्रीन स्टिंग बर्ग, लीफ माइनर, रेड एंट, वाइट ग्रब एट्सेट्रा, जिनके आप डायग्राम स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैबेज के बारे में। कैबेज इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल क्रॉप विच ओरिजिनेटेड इन यूरोप। कैबेज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर विंटर वेजिटेबल ग्रोन इन इंडिया। ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप इज अबाउट 90 to 110 डेज एंड डेट ऑफ सोइंग इज अगस्त टू नवम्बर। इसकी खेती अगस्त से नवम्बर के बीच में इसकी सोइंग की जाती है। कैबेज क्रॉप इज अटैक्ड बाई नंबर ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड एमंग द कैबेज कैटरपिलर, डायमंड बैक मोथ, कैबेज सेमीलूपर, दिस आर द मेजर पेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेस्ट। आउट ऑफ दिस डायमंड बैक मोथ, प्लूटेला जायरोस्टेला इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ क्रूसीफेरस क्रॉप। डायमंड बैक मोथ इनका की पेस्ट भी है। प्लूटेला जायरोस्टेला वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन 1746 एंड प्रोबेबली फ्रॉम यूरोपियन ओरिजिन एंड इन इंडिया फर्स्ट रिकॉर्डेड इन हरियाणा इन 1914 ऑन क्रूसीफेरस वेजिटेबल। इट कॉजेज 50 to 80% एनुअल लॉस इन द मार्केटेबल इल्ड एंड लॉस ऑफ अबाउट $16 million पर ईयर। हम सबसे पहले बात करते हैं प्लूटेला जायरोस्टेला की। डायमंड बैक मोथ, डायमंड बैक मोथ जो है वो कैबेज का या गोभी वर्गीय फसलों का की पेस्ट का है, जो कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली प्लूटिलिडी के मेंबर होते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है प्लूटेला जायरोस्टेला। ये स्मॉल साइज मोथ होते हैं, एक आर लेड सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप ऑन द अपर साइड ऑफ द लीफ। ये पत्तियों के ऊपरी हिस्से में टिप पोर्शन पे सिंगली अंडे देते हैं, जो कि वाइट येलोइस कलर के होते हैं और 1 मिलीमीटर से भी कम लंबे होते हैं। इनके जो कैटरपिलर होते हैं वो फुली ग्रोन होने पे लगभग 12 mm तक लंबे हो सकते हैं। दैट मीन्स लगभग 1.2 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये 1 से 3 से 5 दिन में बाहर निकल जाते हैं। इनके एग का हैचिंग 3 से 5 दिन में हो जाता है और उससे न्यूली हैच जो लार्वे होते हैं वो पत्तियों के ऊपरी हिस्से को स्क्रैप करके खाना स्टार्ट करते हैं। कैटरपिलर फीड ऑन लीव्स एंड दे प्रेफर द अंडर साइड ऑफ लीव्स। वो पत्तियों को खुरच के खाना स्टार्ट करते हैं, स्क्रैप करके खाना स्टार्ट करते हैं और कैबेज के अंदर घुस जाते हैं। आफ्टर 14 to 21 डेज दे प्यूपेट इन साइड अ कोकून। ये सिल्कन कोकून बनाते हैं कैबेज के अंदर ही। इनके कोकून का साइज लगभग 9 mm तक लंबा हो सकता है, जो कि वाइट सिल्क मेस की तरह दिखाई देता है। इनके जो कोकून है कभी कभी पत्तियों के कैबेज के पत्तियों के निचले हिस्से पे चिपके हुए दिखाई देते हैं। आफ्टर अनदर 5 to 15 डेज टाइनी ग्रे ब्राउनिश मोथ एमर्ज एंड ले द एग्स। बहुत ही छोटे स्मॉल साइज मोथ लगभग 5 से 15 दिन के बीच में निकलते हैं। इनका जो प्यूपेशन पीरियड होता है 5 से 15 दिन का होता है और एडल्ट पीरियड जो है लगभग 3 से 6 दिन का होता है।
ये पूरे साल में 6 से 8 जनरेशन तक कंप्लीट कर सकते हैं। इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है लगभग 20 से 25 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं। ये दिखने में कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इनके पंख के ऊपर दोनों पंख को एक साथ जब रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो डायमंड शेप्ड येलो स्पॉट दिखाई देता है। डायमंड शेप्ड येलो स्पॉट इज फाउंड ऑन द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द विंग, हेंस इज कॉल्ड एज डायमंड बैग्ड मोथ। इनका रेस्टिंग पीरियड में जब ये बैठते हैं तब इनका दोनों पंख के जो स्पोर्ट्स होते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जैसे कि डायमंड। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये सिंगली या ग्रुप में अंडे देते हैं और दूर दूर अंडे देते हैं, जिनको स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेचर ऑफ डैमेज एंड डैमेजिंग सिम्टम्स। कैटरपिलर फीड ऑन लीव्स, दे प्रेफर द अंडर साइड एंड डू नॉट ईट द वेन्स। ये बहुत ही छोटे इंसेक्ट होते हैं इसलिए वेन्स को नहीं खा पाते और ये पूरी तरह से पत्तियों को स्क्रैप करके, स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड में स्क्रैप करके खाना स्टार्ट करते हैं। लेटर ये पूरी पत्तियों को खा जाते हैं, वेन्स को छोड़ के पूरी पत्तियां ग्रीन पोर्शन को ये खा जाते हैं। डैमेज आर स्मॉल इनकम्प्लीट होल्स कॉज्ड बाय यंग लार्वी एंड लार्जर कंप्लीट होल्स कॉज्ड बाय मैच्योर लार्वी। जैसे कि मैंने पहले बताया, जो यंग लार्वी होते हैं, न्यूली हैच लार्वी, वो स्क्रैप करके खाते हैं इसलिए उनके द्वारा बनाया गया होल कंप्लीट नहीं होता, जबकि मैच्योर लार्वीज के द्वारा बनाया हुआ होल कंप्लीट होता है। ये पूरी पत्तियों को स्कैटोनाइज कर देते हैं, माइनिंग करते हैं और कैबेज को नुकसान पहुंचाते हैं। ये उनके द्वारा किया गया डैमेज के सिम्टम्स है जिसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। लाइफ साइकिल। टोटल डेवलपमेंट टाइम फ्रॉम द एग टू प्यूपल स्टेज इज एवरेज 25 to 30 days, डिपेंडिंग ऑन वेदर, विच अ रेंज इज अबाउट 17 to 51 days। मिनिमम इनका जो लाइफ साइकिल है 17 days में कंप्लीट होते हैं, मैक्सिमम 51 days तक इनका लाइफ साइकिल चल सकता है। डायमंड बैक मोथ ओवर विंटर अ एडल्ट एमंग फील्ड डेब्रिज ऑफ क्रूसिफेरस क्रॉप। ये नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन तक डेब्रिज में, क्रॉप रेसिड्यू में बने हुए होते हैं। ये एक्टिव एडल्ट्स में भी सीन ड्यूरिंग वार्म पीरियड एनी टाइम इन द विंटर, ये दिन के समय में दिखाई देते हैं। इन स्प्रिंग एग्स आर लेड सिंगली और इन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 ऑन फोलियज। लार्वी हैच इन फ्यू डेज, अबाउट 2 to 5 days, यूजुअली बाय अर्ली नवंबर। व्हेन मैच्योर लार्वा स्पिन लूज कोकून विच रिमेन्स अटैच्ड टू लोअर लिफ सरफेस। आफ्टर 2 week प्यूपल पीरियड इज कंप्लीटेड एंड न्यू जनरेशन ऑफ मोथ एमर्जेस। इनका जो लाइफ साइकिल है लगभग 14 से 50 दिन में कंप्लीट हो ही जाते हैं। इनके मैनेजमेंट के लिए, चूंकि ये की पेस्ट होते हैं, इनके मैनेजमेंट के लिए IPM प्रैक्टिस अपनाना बहुत जरूरी होता है। फर्स्टली कल्चरल कंट्रोल। एवॉइड प्लांटिंग ड्यूरिंग द हॉट सीजन। हॉट सीजन में हमें प्लांटिंग नहीं करनी चाहिए, पार्शली एट द एंड ऑफ द ड्राई सीजन। क्रॉप रोटेशन विथ नॉन क्रूसिफेरस क्रॉप के साथ हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं हम टोमेटो के साथ में 20:1 के रेशियो में, अल्टरनेटली विथ रो ऑफ कैबेज रेसिड्यूस डैमेज। 20:1 के रेशियो में हम टोमेटो के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जो कि डायमंड बैक मोथ के डीबीएम के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक हो सकता है। हम ट्रैप क्रॉप यूज़ कर सकते हैं मस्टर्ड को, एज ए ट्रैप क्रॉप हम मस्टर्ड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सहायक हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट एरीगेशन एंड रेन रिड्यूस द मेटिंग ऑफ मोथ एंड वॉश ऑफ कैटरपिलर एंड प्यूपा फ्रॉम प्लांट लीव्स। प्लांटिंग ऑफ मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड भी इन मेरीगोल्ड इनके इस इंसेक्ट्स के ओवी पोजिशन को रिड्यूस करता है, कम करता है। मेरीगोल्ड के गोभी के चारों तरफ अगर मेरीगोल्ड लगा दिया जाए तो उसमें
लगभग 30 से 50% तक इनका पॉपुलेशन कम किया जा सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लार्वल पैरासिटॉइड, पैरासाइटिक वेस्ट, कोटेसिया प्लूटेलिया हम यूज़ कर सकते हैं। एग पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा यूज़ कर सकते हैं। बिवेरिया बेसियाना जो कि एक एंटोमोपैथोजेनिक फंगस है, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स का भी यूज़ किया जा सकता है, उनका सस्पेंशन का हमें स्प्रे करना चाहिए। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक सापामेथ्रिन, स्पाइनोजेट, क्लोरपाइरिफास, करटाप हाइड्रोक्लोराइड, इनका भी हम रिकमेंडेड डोज में स्प्रे कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इज अ की कॉन्सर्न विथ ऑल लेपिडोप्टेरन पेस्ट ऑन कोल क्रॉप। कोल क्रॉप में ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी लेपिडोप्टेरन पेस्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी रेजिस्टेंस हो जाते हैं किसी भी केमिकल के प्रति। इसलिए हमें कोई भी केमिकल को कंटिन्यू यूज़ नहीं करनी चाहिए, उनको बदल कर यूज़ करना चाहिए। एक्सटेंसिव रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट, पायराथ्रॉइड एंड कार्बोमेट इंसेक्टिसाइड्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन द डायमंड बैक मोथ। नेक्स्ट इंसेक्ट इज कैबेज सेमिलुपर। कैबेज सेमिलुपर ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली नॉक्टुडी के मेंबर होते हैं। थाइसेनोप्लूसिया ओरिकेल्सिया ये इनका साइंटिफिक नेम है। ये जो है मीडियम साइज्ड मोथ होते हैं। इनका एडल्ट लाइट लाइट पैलिश ब्राउन कलर के होते हैं, या फिर लार्ज गोल्डन, जिनमें गोल्डन कलर के पैचेस बने हुए होते हैं। लाइट पैलिश ब्राउन कलर के इनका विंग होता है, जिनमें गोल्डन कलर के पैचेस बने हुए होते हैं। इनका जो लार्वी होता है ये काफ़ी लंबा होता है, लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक लंबे इनकी लार्वी होती हैं, जो कि ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के लार्वी हो सकते हैं। ये पॉलीफेगस पेस्ट होते हैं, ये हर प्रकार के वेजिटेशन को नष्ट कर सकते हैं, मेनली कैस्ट्रो और सैफ्लावर को। कॉज डैमेज बाय बाइटिंग राउंड होल्स इन टू कैबेज लीव्स। बाइटिंग होल्स वेराई अकॉर्डिंग टू देयर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। लॉस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑन वॉकिंग लुक लाइक सेमिलोपर्स एंड कैबेज कैटरपिलर। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जब मूव करते हैं, चलते हैं, तो इनका बॉडी लूप के समान स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इन्हें सेमिलुपर कहा जाता है। गाइस, कैबेज सेमिलुपर पॉलीफेगस पेस्ट होता है, जिनके द्वारा किसी भी क्रॉप में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की हानि, दोनों की नुकसान हो सकती है। इनके कंट्रोल के लिए हम इनका हैंड पिकिंग और मैनुअल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड जस्ट लाइक मेलाथियन का यूज़ कर सकते हैं। लेपिडोप्टेरन मोथ्स होने के कारण इनको हम लाइट ट्रैप से भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज कैबेज लीफ वेबर। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये इंसेक्ट्स के लार्वे कैबेज के पत्तियों को वेब कर जाली गूंथ के नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोसिडोलोमिया बाइनोटेलिस ऑर्डर लेपिडोप्टेरा फैमिली पैरास्टिडी। ये इंसेक्ट पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी कैबेज की खेती होती है, क्रूसीफेरस क्रॉप की खेती होती है, वहाँ ये पाए जाते हैं। ये कैबेज के अलावा रेडिश, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एट्सेट्रा क्रॉप को अटैक करते हैं। फीमेल मोथ ले एग इन मासेस ऑफ 40 to 100। लगभग 40 से 100 के ग्रुप में फीमेल अंडे देती है, जो कि 5 से 15 दिन में हैच हो जाते हैं। न्यूली हैच लार्वे इनिशियल स्टेज में पत्तियों को स्क्रैप करके खाना स्टार्ट करते हैं। कैटरपिलर वेब्स टुगेदर द फोलियज एंड फीड ऑन लीव्स। फोलियज को आपस में सिल्क से, सिल्क एंड थ्रेड से वेब करते हैं। इट ऑल्सो फीड ऑन फ्लावर्स एंड पोड्स इन द केस ऑफ मस्टर्ड एंड फ्लावर हेड्स इन कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। ये कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड सभी के फ्लावर और फ्लावर हेड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैटरपिलर बियर रेड हेडेड विथ ब्राउन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स एंड रॉज ऑफ ट्यूबरकल्स ऑन द बॉडी।
larval period is about 24 to 27 days and pupal period is about 14 to 40 days. ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अर्धन प्यूपा बनाते हैं, ये सॉरी ये सिल्कन प्यूपा बनाते हैं, सिल्कन कोकून बनाते हैं. प्यूपेशन टेक्स प्लेस इन कोकून विद इन द वेब लीव्स. प्यूपल पीरियड इज अबाउट 14 to 40 days. एडल्ट इज स्मॉल विथ लाइट ब्राउनिश फोविंग. इनका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है लगभग 30 से 45 दिन में कंप्लीट हो जाते हैं. डैमेजिंग सिम्टम्स. यंग लार्वे फीड्स ग्रेगरियसली ऑन लीव्स, लेटर वेब्स टुगेदर द लीव्स एंड फीड. ड्यू टू ग्रेगेरियस फीडिंग रॉटिंग ऑफ कैबेज हेड एंड कॉलीफ्लावर कर्ड्स आर कॉमन. रेगुलर पेस्ट ऑफ माइनर स्टेटस बट ओकेजनली टर्न्स टू सीरियस प्रोपोर्शन. इनका ये रेगुलर पेस्ट होते हैं, माइनर प्रोपोर्शन माइनर स्टेटस में होते हैं, बट कभी कभी फेवरेबल कंडीशन होने पे इनकी जनसंख्या इनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे कि ये मेजर पेस्ट के रूप में सामने आते हैं. इनके कंट्रोल के लिए इनके मैनेजमेंट के लिए फैसोलोन 50 EC 1 लीटर पर हेक्टेयर के दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर फेनवेलेट 20 EC या साइपरमेथ्रिन 10 EC डेल्टा मेथ्रिन 20 EC, इनमें से किसी प्रकार के केमिकल का यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा लार्वल पैरासिटॉइड ब्रैकोनिड्स या फिर एक पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा का यूज़ कर सकते हैं. लेप्टोप्टेरॉइड मौत होने के कारण हम इनको लाइट ट्रैप से आसानी से ट्रैप कर सकते हैं. गाइस आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.